हेलो गाइस गाइस आपके साथ हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाला पहला 2020 मैच। ठीक है गाइस, ये मैच भी 30 अगस्त को रात के 9:30 बजे ये मैच डरबन साउथ अफ्रीका में खेला जाने वाला है। और गाइस इन्वेस्टमेंट के लिहाज से दोस्तों ये मैच काफ़ी बढ़िया मैच होने वाला है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो गाइस आपके लिए ये मैच भी बढ़िया है। और जो इसके बाद जो 10:30 बजे वाला मैच होगा यानी कि इंग्लैंड का मैच होगा गाइस, वो भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया मैच है। ठीक है, तो मेरे भाई वीडियो को आप लास्ट तक देखना, ज़्यादा बड़ा वीडियो हमारा नहीं रहेगा, 6 से 7 मिनट का वीडियो रहता है, बट आप देखो इसी वीडियो में आप देखो सब कुछ समझ पाओगे। और गाइस अगर आप ग्रैंड लीग को टारगेट करना चाहते हो या फिर मिनी जीएल को टारगेट करना चाहते हो तो मेरे भाई वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, बट उससे पहले देखो यार टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो मेरे भाई, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो वहाँ से आप देखो जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। तो कोई यार मैं वहाँ जुड़ने के लिए क्यों बोलता हूँ, देखो यार जो भी फाइनल टीम फाइनल अपडेट होता है ना टॉस के बाद, मैं देखो अगर आप मेरी टीम से खेलना चाहते हो तो देखो ज्वाइन कर लो, अगर नहीं खेलना चाहते हो तो मेरे भाई बिल्कुल आप ज्वाइन मत करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, पहले हम लोग सीधा बात कर ले पिच रिपोर्ट। दोस्तों पिच यहाँ पर जो डरबन की पिच है ना, देखो यार मैं एक आपको सिंपल बात बता दे रहा हूँ, देखो जो साउथ अफ्रीका की जो पिच होती है, जो यहाँ का ग्राउंड डायमेंशन होता है देखो काफ़ी स्मॉल बाउंड्री होती है, यानी कि छोटा ग्राउंड होता है, जिसके कारण देखो यार यहाँ पर ना बाउंड्री लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, इसीलिए देखो यहाँ पर एक जो सुटेबल गाइज यहाँ पर बैट्समैन के लिए यहाँ पे यानी कि दोस्तों रन स्कोरिंग पीस रहने वाला है। ठीक है, वहीं गाइज बॉलिंग की बात कर लूँ तो गाइज यहाँ पर आपको पेसर से विकेट लेते हुए दिखने वाला है। ठीक है, लास्ट अगर यहाँ पर मैं 2020 मैच की मैं बात कर लूँ तो गाइज पेसर्स द्वारा लिया गया विकेट 24 है और स्पिनर ने केवल 4 ही विकेट लिया है। तो गाइज यहाँ पर देखो बिल्कुल प्रेफर आपको फास्टर बॉलर को ही करना है। ठीक है, यहाँ पर आप एवरेज स्कोर चेक कर सकते हो, 150 से 170 के बीच स्कोर यहाँ पर बनते हुए आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पर अगर 2020 मैच की थोड़ा सा मैं स्टैट्स की बात करूँ तो गाइज यहाँ पर इस पिच पे टोटल 14 मैचेस खेला गया है, जिसमें से 7 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने मैच को विन किया है और 6 बार बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। ठीक है, तो दोस्तों देखो जो ऐसा ऐसा जो आपको रिकॉर्ड जहाँ आपको दिखे वहाँ पर एक बात आप बिल्कुल ध्यान में रखना कि भाई जिसकी बैटिंग ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी वो टीम आपको यहाँ पर विन करके देने वाली है। ठीक है, तो गाइज पिच रिपोर्ट तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात आती है गाइज हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो भाई मेरे देखो यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लूँ तो दोनों टीमों के बीच टोटल 22 मुकाबला गाइज आपस में खेला गया है, जिसमें से दोस्तों 14 बार ऑस्ट्रेलियन टीम विन किए, वहीं दोस्तों 8 बार यहाँ पर साउथ अफ्रीकन टीम विन किया है। तो गाइज एक बात तो देखो बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर दिखने वाला है कि गाइज यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया दोस्तों एक अपनी मतलब ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, और गाइज आप यहाँ पर थोड़ा सा फेवर ऑस्ट्रेलिया को आप कर सकते हो, अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो मेरे भाई आप ऑस्ट्रेलिया को फेवर करना। ठीक है, वहीं गाइज लास्ट 5 मैचेस जो खेले गए हैं दोनों टीमों के, यहाँ पर आप रिकॉर्ड चेक कर लो लास्ट 5 मैच में कौन सी टीम का रिपोर्ट कैसा रहा है। ठीक है, तो आइए बात कर ले अब दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहेगी और कई प्लेयर का, मैं देखो यहीं पे मैं आपको देखो सब कुछ बता दूंगा कि गाइज आपको कौन से प्लेयर को कहाँ ट्राई करना है। देखो यार एक बात आप ध्यान रखना, देखो जो भी यहाँ पर लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलर है या फिर देखो जो भी यहाँ पर स्पिनर है, देखो आप इनको तो गाइज पहली फुर्सत में आपको इनको टीम में लेना ही नहीं है। ठीक है, बचे दोस्तों यहाँ पर 9 प्लेयर, देखो 9 प्लेयर में देखो पहला प्लेयर गाइज आपके लिए रिजा हेंड्रिक्स साउथ अफ्रीका से बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, उसके अलावा दोस्तों रशी वंटर डू से नंबर 4 पे खेलने आएगा और देखो ये रीड की हड्डी आपको ये स्कोर करके देने वाला है, लगभग 15 से 20 रन आपको ये बढ़िया सा स्कोर करके देगा। उसके अलावा दोस्तों नंबर 3 प्लेयर एडम मार्कम हो गया, जो कि गाइस ये स्मॉल लीग में आपको ये तीनों प्लेयर को लेकर चलना है। ठीक है, बॉलिंग की बात करूँ तो मेरे भाई मार्को जेंसेन आपको पावर प्ले में और एक और इनका डेथ कोर में रहने वाला है, वहीं दोस्तों यहाँ पर आप लुंगी एंगडी को भी अपनी टीम में रख के चलना, आपको ये मतलब डेथ कोर में आपको बॉलिंग करके देगा। तो गाइस देखो 5 प्लेयर तो गाइस आपको साउथ अफ्रीका से आपको मिल गए, और अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो मेरे भाई डेवाल्ड ब्रेविस को आप जीएल में टारगेट कर सकते हो, वो भी गाइस किसके प्लेस पे आप यहाँ पर अपने एडम मार्कम के प्लेस पे आप डेवाल्ड ब्रेविस को टारगेट कर लेना। ठीक है, आगे दोस्तों स्टार्टिंग ओवर तो आपको मार्को येंसेन, लुंगी एंगडी और बोर्जन फॉर्चून आपको करते हुए दिखाई देगा, डेथ कोर में देखो सिशांदा मगाला, लुंगी एंगडी और गाइस एक ओवर आपको मार्को येंसेन का भी आपको दिख सकता है। ठीक है, बाकी दोस्तों देखो ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की बात करूँ तो मेरे भाई देखो ऑस्ट्रेलिया आपको एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम आपको दिखने वाली है, क्योंकि देखो उनके जो नंबर 8 तक देखो यार इनके पास बैटिंग लाइनअप है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर अगर मैं स्मॉल की बात करूँ तो गाइस मैथ्यू शॉट आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन, उसके अलावा कप्तान मिचेल मार्श हो गया, जॉस इंग्लिश विकेट कीपर जो कि गाइज आपको हर हाल में लेना है। ठीक है, 3 प्लेयर ये हो गए, ऑलराउंडर से गाइज आपको यहाँ पर मार्कस ट्रोनिक्स को आपको उठाकर चलना है। ठीक है, वहीं यार यहाँ पर अगर मैं बॉलिंग की बात कर लूँ तो गाइज सैन अबट आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन। ठीक है, और फिर गाइज यहाँ पर आपको थोड़ा सा अगर आपको
नाथन हिल्स को लेना है तो आप यहाँ पर नाथन हिल्स को आप ले सकते हो। बाकी यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन आपको मैं स्पेंसर जॉनसन को आपको मैं बोलने वाला हूँ। ये भी दोस्तों एक लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, तो आप चाहो तो अपनी टीम में नाथन हिल्स के प्लेस पे आप थोड़ा सा रिस्क लेकर आप हट के जाओ और आप यहाँ पर स्पेंसर जॉनसन को आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे भाई ये कुछ प्लेयर हैं जो कि आपको अपनी टीम में ट्राई करना। यहाँ से दोस्तों आपको टोटल 5 प्लेयर आपको मिल गया। ठीक है, तो मेरे भाई ये तो दोनों टीमों के में मैंने बात कर लिया। वहीं दोस्तों बैंस से आपको यहाँ पर मैथ्यू वेड, एस्टन टर्नर और जेसन रॉफ आपको दिख सकता है। वहीं दोस्तों यहाँ पर चाहे तो ये तीनों प्लेयर आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ मेरे भाई कि फाइनल टीम आपको टॉस के बाद ही प्रोवाइड करते हैं। देखो सारा कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए वहाँ पे जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, अगर बाय चांस कोई प्लेयर मिस होता है या फिर कोई नया प्लेयर खेलता है तो मेरे भाई फाइनल टीम तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, बाकी दोस्तों स्टार्टिंग ओवर आपको स्पेंसर जॉनसन जो कि लेफ्ट आर्म मीडियम है, उसके अलावा सैन एबर्ट और मिचेल मार्श जो कि टीम के कप्तान भी हैं, ये तीनों आपको स्टार्टिंग ओवर आपको डालते हुए दिखने वाले हैं। वहीं दोस्तों डेथ ओवर में नाथन हिल्स, सैन एबर्ट काफ़ी अनुभवी बॉलर और एरोन हार्डी का ओवर यहाँ पर आपको दिख सकते हैं। ठीक है, बाकी गाइस यहाँ पर अगर आप ब्रांड लीग खेल रहे हो तो गाइस आपके लिए कप्तान वाइस कप्तान का चॉइस डेवाल्ड ब्रेविस, मैथ्यू शॉट और लुंगी एंग भी रहेगा अगर आप ब्रांड लीग या मिनी जेल खेल रहे हो तो। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप सेफ या स्मॉल लीग जो भी आप कॉन्टेस्ट खेल रहे हो सेफ लीग, तो गाइस दो मेंबर, तीन मेंबर, चार मेंबर हैं हमें, आप देखो मिचेल मार्श, एडम मार्कम और मार्कस टोनिस को आप देखो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस ये कप्तान वाइस कप्तान का कुछ चॉइस भी है जो कि आप अपने हिसाब से ट्राई करना। तो आइए बात कर ले टीम की। देखो ये टीम आपके सामने है और अगर टीम में आप कुछ चेंजेस करना चाहो तो देखो यार यहाँ पर आप चेंज करना डेवाल्ड ब्रेविस के प्लेस पे आप यहाँ पर चाहो तो अपने टीम में आप रशी वंडर डूशे को भी आप ट्राई कर सकते हो। नंबर 4 पे वो खेलने आएगा, काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। मैं दोस्तों अपनी फाइनल टीम में देखो लेकर जाऊँगा कप्तान वाइस कप्तान। देखो ऑलमोस्ट सभी का मिचेल मार्श और एडम मार्कम ही रहेगा। बाकी तो अगर आपको थोड़ा सा अलग हट के जाना है तो यहाँ पर आप देखो अपनी टीम में मार्कस टोनिस को भी आप कप्तान वाइस कप्तान आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बाकी गाइस यहाँ पर आप एडम जांपा के प्लेस पे जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप स्पेंसर जॉनसन जो कि गाइस लेफ्ट आर्म फास्टर बॉलर है, आप चाहो तो आप उन्हें भी अपनी टीम में आप रख सकते हो। ठीक है मेरे भाई, बाकी दोस्तों फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो दोस्तों, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइस फाइनल टीम आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, सब कुछ दोस्तों वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो गाइस वहाँ से जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे भाई वीडियो को आप लाइक करना। ठीक है दोस्तों, देखो यार आपका प्यार सपोर्ट समर्थन मिल जाए तो गाइस हमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी गाइस अभी के लिए बस इतना ही, यहीं पर मैं एंड करता हूँ। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए शेयर भाई को हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक।